आज के इस वीडियो में हम क्लियर किट के बारे में बात करेंगे कि क्लियर किट आप कितने महीने की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए ले सकते हैं, लेते समय क्या सावधानियां रखना है और किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है, इसी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। हम बात करते हैं कि क्लियर किट का हम उपयोग कब करते हैं। तो जब भी किसी भी महिला को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, अभी महिला ने प्लान नहीं किया और वो प्रेग्नेंट हो गई, अचानक से उसका पीरियड मिस हुआ, तब उसको पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि दोनों लाइनें डार्क आती है, तो फिर डॉक्टर की सलाह से आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर किट में 5 गोलियाँ रहती है, एक मिफीप्रिस्टोन रहती है और 4 मिसोप्रोस्टल रहती है। मिफीप्रिस्टोन जो सबसे ऊपर वाली बड़ी टैबलेट को हम लोग बोलते हैं और जो 4 छोटी छोटी नीचे की तरफ रहती है वो मिसोप्रोस्टल रहती है। ये प्रेगनेंसी को हटाने में इस तरह से काम करती है कि जो बड़ी वाली टेबलेट रहती है वो हमारी बॉडी में जो बीटा एसजी हार्मोन्स रहता है, जो बच्चे को ग्रोथ कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, उसको रोकता है। यानी कि अगर जैसे हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, ऐसे बच्चे के लिए बीटा एसजी हार्मोन्स जो है वो ऑक्सीजन हम समझ सकते उदाहरण के तौर पर। तो ये बीटा एसजी के लेवल को रोक देता है, उसको बंद नहीं देता है पहली वाली टेबलेट मिफीप्रिस्टोन की। और मिसोप्रोस्टल जो रहती है वो बच्चेदानी में दर्द लाती है, यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन लाती है, सर्विक्स को ओपन करती है और जो भी मटेरियल अंदर में है उसको वो आउट करने का काम करती है। तो इसलिए 5ों टेबलेट का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी रहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम बड़ी टेबलेट नहीं खाएं, हम सिर्फ छोटी छोटी टेबलेट खा लेते हैं, तो केस क्लियर नहीं होते हैं। दोनों टैबलेट बहुत ज़रूरी रहती है अगर आपको अपना केस एक ही बार में क्लियर करना है और अच्छे से करना है तो। क्योंकि जो लोग मिफीप्रिस्टोन नहीं खाते, सिर्फ मिसोप्रोस्टल खा लेते, यानी किट में से बड़ी जो गोली आती है उसको अगर आपने नहीं खाया, सिर्फ छोटी छोटी 4 गोलियाँ खा ली, तो आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो कई लंबे टाइम तक पॉजिटिव आता रहेगा। फिर आप परेशान होते रहोगे, आप सोचोगे कि मेरा तो पीरियड भी आ गया, मेरा तो सब कुछ क्लियर हो गया, फिर मेरा टेस्ट पॉजिटिव क्यों आ रहा है। तो ये जो बीटा एसजी को रोकने की दवाई रहती है वो मिफीप्रिस्टोन रहती है। अगर आप उसको नहीं लोगे तो आपका टेस्ट काफ़ी लंबे समय तक पॉजिटिव बताता रहता है, इसलिए 5ों गोलियाँ खाना बहुत ज़रूरी रहती है। अब हम बात करें कि टेबलेट कितने दिन की प्रेगनेंसी पे काम करती है। तो जनरली हम इसको 64 डेज तक की प्रेगनेंसी पे देते हैं, पर ये मेडिसिन देने के बाद में कभी हमको ऐसा लगता है कि पीरियड जैसा अच्छा आना चाहिए था, खुल के क्लॉट पास नहीं हो रहे, तो अलग से भी और भी मेडिसिन पेशेंट को रिकमेंड की जाती है कि केस आधा अधूरा ना छूटे। जनरली 9 वीक तक हम इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर डॉक्टर के सुपरविज़न में ही रह के करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि क्लियर किट को जो लेने का सही तरीका रहता है वो क्या रहता है। तो क्लियर किट में जनरली 5 टेबलेट आपको मिलती है। ये लेना कब है, जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है और पीरियड मिस होने के 10 दिन हो गए आपको। यानी कि हम प्रेगनेंसी के दिनों को कैसे जोड़ते हैं, LMP से, यानी कि लास्ट टाइम जब आपका पीरियड स्टार्ट हुआ था वो पहला दिन है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बता रही हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल को आपका पीरियड आया था, 1 मई को जो आना चाहिए था वो मिस हो गया, तो फिर हम दवाई कब खाएंगे, हम टेस्ट करेंगे और हम 10 मई के बाद दवाई खाएंगे या 10 मई से आप ले सकते हो। कभी आपका पीरियड 2-4 दिन पहले आ जाता है और आपको पता चल रहा है कि मेरा पीरियड तो 25 अप्रैल में ही आना था, मेरी तो 25 डेज की पीरियड साइकिल है और 1 तारीख तक का मैं वेट नहीं करना चाहती हूँ, मैंने तो टेस्ट कर लिया, उसमें हल्की सी फ्लेंट लाइन दिख गई या दोनों लाइनें डार्क आ गई, तो क्या मैं 1 तारीख को यानी कि 1 मई को ही दवाई ले सकती हूँ क्या? तो आपको बिल्कुल दवाई नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत अर्ली स्टेज है, इस अर्ली स्टेज में मेडिसिन काम नहीं करती है। बाय चांस आप खा भी लेते हैं तो आपके पीरियड्स नहीं आएंगे, सिर्फ पेट दर्द होता रहेगा, वाइट डिस्चार्ज होता रहेगा और कहीं पीरियड आ भी गए तो थोड़े बहुत आके बंद हो जाएंगे, मतलब आपका केस बिगड़ जाएगा। इसीलिए मैं स्पेशली पेशेंट को ये रिकमेंड करती हूँ कि आप 40 दिन 41 दिन या 42 दिन पे मेडिसिन लेना शुरू करिए, उसके पहले नहीं लेना है। और अधिकतर हम लोग देखते हैं कि जो लोग अर्ली स्टेज में दवाई खा लेते हैं, जैसे पीरियड मिस हुए, 2रे दिन 3रे दिन 5वें दिन ही अगर आपने खा ली तो आपकी दवाई काम नहीं करती है, फिर पेशेंट की प्रॉब्लम यही रहती है कि मैडम हमारा पीरियड नहीं आया।
तो आपको पीरियड मिस होकर 10 दिन के बाद मेडिसिन स्टार्ट करना है, यानी कि 41 या 42 डेज पे मेडिसिन स्टार्ट करना है। अब इसमें 5 टेबलेट रहती है, तो जैसे आज रात में हमने बड़ी वाली टेबलेट खा ली, ठीक है, फिर कल का गैप रहेगा, कल एक भी टेबलेट नहीं लेना है। परसों के दिन 2 टेबलेट आपको सुबह लेना है और 2 शाम को लेना है। जैसे अगर आज रात की जो बड़ी वाली टेबलेट आप खाएंगे तो खाने के 2 घंटे बाद लेना है। जैसे हम सारी टेबलेट लेते वैसे ही लेना है, ओरली पानी के साथ में। कल का पूरा हमारा गैप जाएगा। परसों के दिन जब हम 2 टेबलेट खाएंगे तो 2 घंटे पहले आपको हल्का फुल्का नाश्ता करना है। जैसे कि आप एप्पल ले सकते हो, केले ले सकते हो, या फिर आप चाय बिस्किट, कुछ भी ठूस ठूस के खाना नहीं खाना है कि मैं तो दवाई खा रही हूँ, मैं तो पेट भर के खाना खा लेती हूँ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फिर जब आप दवाई खा लेते हैं तो 2 घंटे बाद आप अपना लंच कर सकते हो, जो भी आपका इच्छा हो रही है, पर लाइट खाना खाना है, हैवी फूड नहीं लेना है, क्योंकि इस दौरान हमें काफ़ी तकलीफ होती है। जैसे पेट दर्द होता है, किसी को होता है, किसी को नहीं होता है, किसी को उल्टियाँ होती है, बेचैनी होती है, चक्कर आने लगते हैं, तो आपको लाइट खाना खाना है ताकि इनडाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो। अभी हमें शाम को जो 2 टेबलेट लेना है, मिनिमम इन 4 टेबलेट में आपको 6 घंटे का गैप रखना है। जैसे आपने 2 टेबलेट सुबह 10 बजे ले ली, तो फिर आपको 2 टेबलेट शाम को 4 बजे लेना है। जब आप शाम के 2 टेबलेट लेंगे मिसोप्रोस्टल की, तो वो भी 2 घंटे पहले हल्का फुल्का नाश्ता कर लेना है, फिर से फिर 2 टेबलेट आपको ले लेना है। मिफेप्रिस्टोन की जो, यानी कि बड़ी वाली टेबलेट, आपको पानी के साथ में लेना है। मिसोप्रोस्टल की जो दो दो टेबलेट हमारी छोटी छोटी गोलियां हैं, उनको आपको या तो बक्कल कैविटी में रख के चूसना है, या फिर सबलिंग मतलब जीभ के नीचे, टंग के नीचे रख के चूसना है। अगर आप नहीं चूस पाते, बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही, तो 2-4 घुट पानी के साथ में उसको निगल लेना है। तो ये तो हो गया आपका डोज कंप्लीट। अब हम बात करें कि आपके पीरियड कब शुरू हो जाएंगे। तो जिस दिन आप 4ों गोलियां खाएंगे उसी दिन आपके पीरियड शुरू होंगे। कभी कभी दवाइयाँ बराबर असर नहीं करती हैं, तो 4 गोलियां खाने के दूसरे दिन, तीसरे दिन भी आपके पीरियड चालू हो सकते। तो जनरली डोज कंप्लीट करके 2 से 3 दिन आपको इंतज़ार करना चाहिए, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करें कि आप कैसे पता करेंगे कि दवाई आपकी बॉडी पे काम कर रही है या नहीं कर रही। तो मेडिसिन लेने के बाद में आपको थोड़ा जी मचलना, उल्टी जैसा मन ज़्यादा होने लग जाएगा, थोड़ा बहुत पेट दर्द हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो पीरियड आना चालू हो गया, इसका मतलब कि आपकी दवाई काम कर रही है। अब हम बात करें कि क्लियर किट के क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो जनरली जो लक्षण दिखते हैं, पेट दर्द हो सकता है, कमर दर्द, थोड़ा फीवर आना, उल्टी जैसा मन होना, दस्त लगना और हेवी पीरियड्स होना। इनमें से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप जिन डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन लेंगे, वो डॉक्टर आपको ऑलरेडी सारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देंगे कि आपको पेट दर्द होता है तो ये दवाई खाना है, आपको उल्टी होती है तो ये दवाई खाना है, दस्त लगते हैं तो ये लेना है, आपको ब्लड की कमी हो तो ये दवाई लेना है। मतलब A to Z मेडिसिन आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके देंगे, जो कि जनरल मेडिसिन होती है, हर केमिस्ट के शॉप पे मिलती है। तो वो मेडिसिन आपको डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना है, क्योंकि इन केसेस में कुछ स्पेशल मेडिसिन्स आती है जिनको हम लोग देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सी भी मेडिसिन उठा के आप खा लीजिए। अगर आपने ऐसा किया तो आपके जो पीरियड्स आ रहे हैं, जो ब्लीडिंग हो रही, वो स्टॉप हो सकती है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी लापरवाही में ना लेके, मुझे तो पेट दर्द हो रहा तो मैं कोई सी भी दर्द की दवाई खा लेती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अब आखिरी में हम बात करते हैं कि आपके पीरियड कितने दिन तक चलेंगे। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पर। अगर आपकी प्रेगनेंसी 40 दिन की है, तो आपका पीरियड 7 दिन 8 दिन तक चल सकता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी 50 दिन की है या 60 दिन की है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन या 12 दिन। अगर 12 दिन में भी आपकी ब्लीडिंग बंद ना हो, तो फिर आपको डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहिए। अगर आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाते, तो मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर 12 दिन में भी पीरियड बंद नहीं होते, तो डॉक्टर ऐसे में आपका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, बीटा HCG का टेस्ट करवाते, प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते और CBC करवाते हैं। ये कुछ जनरल टेस्ट होते हैं जिनके द्वारा हमें ये पता चलता है कि आपका एबॉर्शन पूरी तरह से हुआ है या नहीं हुआ। अगर मान लीजिए हमने जो अल्ट्रासाउंड करवाया उसमें आता है कि अभी भी कुछ टुकड़े बच गए हैं, तो डॉक्टर ऐसी कंडीशन में आपको क्लीनिंग के लिए मेडिसिन देते हैं। बहुत सारे डॉक्टर मेडिसिन नहीं दे के आपका डायरेक्ट सफाई यानी कि DNC करने को तैयार रहते हैं। तो जैसा आप लोगों को उचित लगे, वैसा आप अपने डॉक्टर से बात करके आगे का प्रोसीजर करवा सकते हो।
और फिर जैसे ही आपका केस कंप्लीट होता है, मतलब जो भी कचरा वचरा है सारा निकल जाता है, तो फिर डॉक्टर ब्लीडिंग रुकने की दवाइयाँ दे देते हैं। तो इस तरह से क्लियर किट हमारी प्रेगनेंसी को हटाने में हेल्प करती है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।